चिल्ड्रन, टुडे वी विल टीच यू बेसिक ज्योमेट्री। स्टूडेंट, ज्योमेट्री की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? स्टूडेंट, पॉइंट से। सबसे फर्स्ट हम पॉइंट के बारे में ही पढ़ेंगे। पॉइंट क्या है? एक डॉट। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ज्योमेट्री में जितने भी फिगर बनते हैं स्टूडेंट, वो पॉइंट के थ्रू ही बनते हैं। जैसे हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक फिगर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है और उसकी कोई विड्थ नहीं होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, लाइन। लाइन क्या होती है स्टूडेंट? अब इसके अंदर यहाँ भी एरो बना हुआ है और इधर भी एरो बना हुआ है। इसका मीन, इस लाइन को हम इधर भी अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं और इधर भी अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं इस लाइन को। तो इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब इसको लिखने का जो स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म में जो हम लिखते हैं इसको, तो वो इस तरीके से लिखेंगे ए बी, और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ ऊपर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, रे। इसका वन एंडिंग पॉइंट होता है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमें पता है कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ तक जा रही है स्टूडेंट, ये हमें नहीं पता। इस तरीके से जो एरो लगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये लाइन कैसी कहलाती है? रे लाइन कहलाएगी। और इसका ओनली वन एंडिंग पॉइंट होता है। जिस तरीके से हम सन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सन की लाइट कहाँ से आ रही है ये हमें पता रहता है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये अनिश्चित। ऐसे ही टॉर्च की है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि टॉर्च की रोशनी का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन आगे का हमें नहीं ध्यान होता है। तो ये इसके अंदर, रे के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? वन एंडिंग पॉइंट है, लेकिन इसका आगे कहाँ तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये अनलिमिटेड रहती है। इसे हम बोलते हैं रे। लाइन सेगमेंट, इसके टू एंडिंग पॉइंट होते हैं स्टूडेंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए और बी। तो इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो फिक्स रहती है, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए बी, और ऊपर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइन स्टूडेंट्स, कितनी टाइप्स की लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे ये है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब इसके जो है, इसके अंदर टाइप अलग अलग हैं। जब इस तरीके की लाइन होती है ड्रॉ हॉरिजॉन्टली, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इस तरीके की जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा स्टूडेंट, स्लीपिंग लाइन जिसे हम कहते हैं। वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, द लाइन ड्रॉ वर्टिकली आर कॉल्ड वर्टिकल लाइन। इस तरीके से जब स्टैंडिंग लाइन के अंदर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वर्टिकल लाइन कहलाती है। द लाइन ड्रॉ इन अ स्लैंटिंग पोजिशन आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन्स। ये इस तरीके से जो तिरछी लाइन है हम ड्रॉ करते हैं, ये कहलाती है स्लैंटिंग लाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट, कर्व्ड लाइन। ये इस तरीके से जो कर्व लेकर के घुमा करके जो बनाई जाती है शेप, ये कर्व लाइन कहलाती है। इस तरीके से इनमें ये एरो है, तो लाइन के अंदर एरो होता है, इसलिए हमने इसमें एरो लगाया है, और इन्हें हम कहते हैं कर्व लाइन यानी घुमावदार। नेक्स्ट स्टूडेंट, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन है, ये एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, और इसमें डिस्टेंस जो होता है वो सिमिलर ही रहता है, और ये कितनी भी आगे तक चली जाए लेकिन इनका डिस्टेंस वो ही रहता है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो ये पैरेलल लाइन ये भी यही कहलाएगी, और ये भी इस तरीके से भी, इसे भी हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हम ट्रेन की पटरी से भी समझ सकते हैं कि ट्रेन की पटरी किस तरीके से सिमिलर डिस्टेंस के अंदर होती है और एक डिस्टेंस तक जाती है और वो आगे जाकर कहीं मिलती नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी ये जहाँ एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करती है, तो वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन से क्रॉस हो रही है, तो ये कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो इसका पॉइंट होता है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ए बी और सी, इस तरीके से ये बना हुआ है शेप। यहाँ पर जो मेन एंगल जो है, ये हमने बी डॉट बनाया है और उससे हमने यहाँ पर दो रे बनाई है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो दो रे जहाँ पर जाके मिलती है, इसे हम पॉइंट बोलते हैं, ये इसे वर्टेक्स कहा जाता है।
पॉइंट बी भी हम इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पॉइंट बी। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी आर्म्स कहलाएंगी, आर्म ए बी या बी सी। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें इस एंगल का नेम देना है तो वो हम किस तरीके से देंगे, इस तरीके से देंगे। ये कौन सा एंगल है, बी। तो हम इसको तीन तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं, एंगल बी, एंगल ए बी सी या एंगल बी सी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, सॉरी, एंगल सी बी ए। हमें जो ये इसका जो वर्टेक्स है बी, उसे हमें सेंटर में ही रखना है। हम ये ए और सी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम वर्टेक्स इस बी पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हमें सेंटर में ही रखना है। ओके स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ एंगल्स, ये एल शेप में जो होता है स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। और एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, अब हम अगर इस तरीके से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके का भी अगर हम एल बनाएंगे तो भी वो राइट एंगल ही कहलाएगा। एक्यूट एंगल इसे बोलते हैं जो कि राइट से थोड़ा कम होता है। आप ये देख रहे हो कि राइट एंगल इस तरीके से होता है और ये कहाँ जा रहा है इसका रे, ये इस ओर, यानी कि ये राइट से कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि राइट एंगल से थोड़ा ज्यादा होता है। ये देखिए, यहाँ पर आप अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये राइट एंगल होएगा। ओके स्टूडेंट, और ये इस ओर जा रही है रे इसकी, तो जो इस 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ऑब्ट्यूस एंगल। लास्ट स्टूडेंट, स्ट्रेट एंगल। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये जो लाइन है ये एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये लाइन इस साइड भी कितनी अनलिमिटेड बढ़ सकती है और इस लाइन इस और भी इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकती है, और इसका ये सेंटर पॉइंट रहेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ये बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी और आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से देखना है, समझना है। ओके, थैंक यू।